जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के एग्जाम बीडी प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में काफी इम्पोर्टेंट चीजों पर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, जो है 60 दिन की स्ट्रेटजी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड बात करूंगा, है ना। क्योंकि ये जो 60 दिन है ना, और एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है क्या आगे के लिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि कोरोना के जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं उसके आधार पर ऐसा लगता है कि पिछले साल जैसा हुआ था उसी प्रकार से हो सकता है एग्जामिनेशन आगे बढ़े, तो उस पर भी मैं बात करूंगा आपको क्या करना है, और थोड़ा मोटिवेशनल चीज भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी बहुत स्मूथली कर सकते हो। काफी आसान हो जाता है यदि आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, जो जो चीजें मैं बताऊं। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अनअकैडमी के बारे में। यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, डेली क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव टेस्ट क्विज मिल जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाता है पूरा, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंडिया के टॉप एजुकेटर इसमें पढ़ाते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, ये सभी एजुकेटर पढ़ाते हैं। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, 28 अप्रैल तक यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, कोई भी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आपको 20 बुक्स मिल जाती हैं, जो कि क्रिएट की गई हैं यूपीएससी एक्सपर्ट्स द्वारा, जिनकी रेट अगर देखी जाए तो वो है 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है, 100% सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा आप लोगों का। हाईली स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक तरह से बुक्स हैं ये, बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट द्वारा तैयार करी गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है इंक्लूडेड है, काफी इंपोर्टेंट बात है, प्रीवियस ईयर के पेपर, कोई भी बुक आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें ऐड करके दिए गए हैं, यहां पर आपको मिल जाता है यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 ईयर का, तो ठीक है। तो करंट अफेयर अपडेटेड है इसमें, जो लोग 2022 के लिए कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, या फिर 23 के लिए कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। 28 अप्रैल तक है केवल ये ऑफर। नेक्स्ट है आपका यूपीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान के चलिए वैसे तो नॉर्मली आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो एक एक साल के लिए होता है, लेकिन इसे आप ले लोगे ना तो ये आपका जुलाई 2022 तक मिल जाएगा आपको, और यदि जुलाई से आगे भी यदि प्री बढ़ जाता है 2022 का, यानी कि प्री होने तक आपका ये वैलिड रहेगा। तो इसकी भी इसके लिए आप EME10 हमारा कोड यूज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। EME10 करोगे तो अनलॉक होती जाएंगी सारी चीजें, ऑफर यदि 10% चाहिए तब भी आप EME10 आप यूज कर सकते हो। 28 अप्रैल तक ऑफर है ये, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको मैं प्लस और आइकोनिक के बारे में बता दूं, देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन में तो सारी चीजें मिल ही जाती हैं वीडियोस फॉर्मेट में, लेकिन आइकोनिक सब्सक्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पर्सनल कोच मिल जाता है और मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको मिल जाती है। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 72,000 रुपये का है ये 2 साल का, लेकिन 1 ईयर का लोगे तो 49,500 का है, लेकिन हमारा कोड यूज कर लोगे ना EME10, EME10 यूज कर लोगे 44,550 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन काफी इंपोर्टेंट है, 1 ईयर का लोगे 67,500 रुपये में पड़ जाएगा EME10 यूज करके, ठीक है। तो मुझे लगता है आइकॉनिक ही लेना चाहिए आपको, क्योंकि पर्सनल कोच मिल जाते हैं और मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जो कि काफी इंपोर्टेंट है वो मिल जाती है। प्लस में मैंने बता दिया क्या क्या चीजें हैं, लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाता है, पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, स्टडी प्लानर मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है दोस्तों, जो कि काफी इंपोर्टेंट, टेक्स्ट के आपके एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं टीम द्वारा, ठीक है, यह आइकॉनिक का। इसके अलावा आप यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जो कि 1 ईयर का है 27,500 रुपये में, और यदि EME10 आप यूज कर लोगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 24,700 रुपये में आपको ये पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ऑप्शनल की तैयारी कर ही रहे होंगे, जो लोग 2022-23 के लिए कर रहे हैं तो उन्हें ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि तो आप सोचते हैं ना क्या ऑप्शनल लें, तो ऑप्शनल यहाँ पर जाएं, सारी क्लासेस देखें, जितने भी ऑप्शनल हैं सबकी क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। ये नहीं है कि आपने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री का ही दिया जाएगा, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी
जितने भी ऑप्शनल हैं सभी का एक्सेस मिल जाएगा, उसमें से आप चूज कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके, तो एक फायदा मिल जाता है अनअकैडमी की तरफ से, यूनिक चीज है ये। इसके अलावा आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो यूपीएससी ऑप्शनल और जीएस का, ठीक है। ये लोगे आप 12 महीने का तो 88,705 रुपए में पड़ता है वैसे, लेकिन ईएमई 10 यूज कर लोगे तो लगभग 12 से 14-15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। इसके अलावा प्लस और यानी कि प्लस के अंदर जो जीएस था और ऑप्शनल था वो लोगे तो आपको 17,000 का पड़ता है, लेकिन ईएमई 10 यूज कर लोगे तो 10 से 12 से 15 के आसपास आपको छूट मिल जाएगी इसमें, ठीक है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। एक चीज ये कि जिनके पास पैसे नहीं है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, अनअकैडमी से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है लोन। यूपीएससी की जो एस्पिरेंट है उनके लिए लोन की सुविधा दे रहा है अनअकैडमी। इस पर 0% फीस है, प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो बिल्कुल कहीं पर भी नहीं कुछ भी नहीं लगेगी। 0% इंटरेस्ट है, सोचिए दोस्तों 2 घंटे में अप्रूवल हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो फॉर्म है वो आप क्या कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा, आपका जो है हो जाएगा। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग है ना बता देते हैं कोई भी चार्ज नहीं, तो बजाज वाला बता देता है कि कोई चार्ज नहीं, लेकिन 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं, ठीक है। मिनिमम पेपर वर्क है, यानी कि पेपर वर्क आपका बहुत ही कम है, कुछ ही चीज मांगी जाएगी इसमें, देख लीजिएगा आप, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लाभ उठाएं, जो अनअकैडमी आपके लिए देखिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, आपको लोन तक प्रोवाइड कर रहा है स्टडी के लिए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है, टेस्ट सीरीज मार्च वाली जीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ईएमई 10 आप यूज कर लीजिएगा, कोड वहां से अनलॉक हो जाएगी। वर्ल्ड करंट अफेयर यूपीएससी से रिलेटेड ये यूपीएससी की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर से रिलेटेड, ये 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, इसको भी आप ईएमई 10 यूज करके अनलॉक कर लीजिएगा। अनअकैडमी पाथफाइंडर के नाम से जो जीएस की टेस्ट सीरीज है उसको भी अनलॉक कर लीजिएगा, 13 मार्च से ये चल रही है, ईएमई 10 आप यूज कर लोगे, ठीक है। न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी पर, 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सभी लोग क्या करना है ज्वाइन कर लीजिएगा जितनी जल्दी हो सके। लगभग 3500 एमसीक्यूज आपको प्रीलिम्स के लिए इसमें कराए जाएंगे, जो कि बिल्कुल बेस्ड होंगे यूपीएससी में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस प्रकार से। 1 ईयर के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, अनलिमिटेड 1 ईयर, और इंग्लिश में भी है ये, 2 ईयर के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, और एनसीईआरटी बैचेस भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जाकर के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके अलावा कॉम्बैट जो कि अनअकैडमी का एक तरह से बहुत ही बिगेस्ट स्कॉलरशिप देता है अनअकैडमी, 4 करोड़ तक की इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर भी आप देख रहे होंगे इससे रिलेटेड, कि देखिए किस प्रकार से लोग परफॉर्मेंस करके इसमें परफॉर्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप जीत रहे हैं, तो आप भी जीत सकते हो। ईएमई 10 यूज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एनरोल कर लीजिएगा। ये प्रत्येक संडे 11 बजे को ये होता है, कल भी होगा, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके साथ अपनी परफॉर्मेंस भी आप देख पाओगे, फ्री रजिस्ट्रेशन है इसका, 500 रैंक तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और प्लस सब्सक्रिप्शन आपको जो 1 से लेकर 3 रैंक आएगा उनको मिल जाएगा। 60 प्रश्न होते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं, ठीक है, तो ये इसकी चॉइस है, बाकी तो मैंने बता ही दिया बहुत सारी चीजें। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी सीएससी 2021 प्री की अंतिम रणनीति आखिरकार हो क्या आप लोगों के लिए। आखिरी टाइम चल रहा है, इस टाइम को आप जो लोग इस बार देने जा रहे हैं 2021 में उसको ना गवा करके आप क्या करें, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को अपना लोगे तो आपका एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगी। मैं अक्सर इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, मोटिवेशनल भी होते हैं, आपको वो चीजें प्रोवाइड करते हैं जो और कोई प्रोवाइड नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। 60 दिन बचे हुए हैं अभी टोटल, तो इनको 2 भागों में आप बांट लें, 30-30 डेज, ठीक है, 30-30 डेज आप निकाल लोगे तो 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, नया पढ़ते रहें आप जो भी चीजें हैं, करंट अफेयर हो चाहे वो आप जनरल स्टडीज का कोई टॉपिक पढ़ रहा हो, जो भी चीजें छूटी हुई हैं आपकी इन 30 दिनों में, यानी जो पहले 30 दिन हैं उनमें आप जरूर पढ़ें पूरी तरह से। इसमें आप 5 से 7 दिन में बांट सकते हो। 5 से 7 दिन में कैसे बांट सकते हो, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कोई चीजें छूटी हुई हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं,
उनमें कुछ टॉपिक्स हों, उनके लिए हर सब्जेक्ट को आपको 5 से 7 दिन देने हैं। 5 से 7 दिन में क्या होगा, नया नया पढ़ना है आपको। रिवीजन के लिए तो अंतिम 30 दिन बचेंगे, उसमें आपको रिवीजन करना है, लेकिन जो भी चीजें छूटी हुई हो, मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट अब पूरी तरह से छूटा हुआ है, तो अभी क्या कर दें, आप ब्रेक कर दें, अभी सभी सब्जेक्ट्स को आप 5 से 7 दिन में डिवाइड कर लें कि मुझे 5-5, 6-6 दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को देने हैं, और जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं या फिर जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं जो मैंने पढ़े नहीं है उनको आपको कवर करना है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से आप करिएगा। ऑप्शनल को अभी क्या कर दें, बिल्कुल इग्नोर कर दें, छोड़ दें, लगभग 3 महीने पहले 2 महीने पहले ऑप्शनल पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, है ना, क्योंकि जो 2-3 घंटे आप ऑप्शनल को दे देते उसको आपको देना है प्री फोकस्ड होकर के। प्री के अंदर क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है, जनरल स्टडीज के अंदर क्या कौन कौन सी चीजें इंपोर्टेंट है, 5 से 7 दिन का एक टारगेट बनाइए, उसमें आप नया पढ़ने का प्रयास करिए जो भी आपकी चीजें छूटी हुई हैं उनमें से, ठीक है। पहला पार्ट ये हुआ। अंतिम जो 30 दिन बचेंगे उसमें केवल आपको रिविजन के लिए करना है, जो भी आपने अंतिम 30 दिनों के लिए आप जो भी नोट्स आपने बनाए हैं 1 साल के अंदर या 1 महीने में या 2 महीने में जो भी नोट्स बनाए आपने यूपीएससी के, वो आपको बार बार रिवीजन करने हैं, बहुत ज्यादा रिवीजन करने हैं, ठीक है। नोट्स ही रिवीजन करने हैं उनके, ये नहीं कि आप बुक्स लेकर के बैठे हुए हो फिर दोबारा से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी के अंदर क्या चीजें चाहिए, डीप ज्ञान होना चाहिए आपके अंदर, डीप। और डीप वो होगा कैसे, जब किसी भी चीज को आप बार बार पढ़ोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, किसी भी चीज को बार बार पढ़ोगे तब जाके चीजें जो है बेहतर हो पाती है यूपीएससी के अंदर। और आप क्या कर लें, टेस्ट सीरीज पर फोकस कर लें पूरी तरह से, लगभग ये मान के चलिए सॉरी 2 टेस्ट सीरीज आप डेली लगाएं, यानी कि आपको 4 घंटे टेस्ट सीरीज डेली देनी है और 5 से 6 घंटे आपको रिवीजन करना है डेली, ठीक है, जो 1 महीने अंतिम 1 महीने के अंदर। टेस्ट सीरीज में आप कैसे करोगे, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, उनमें क्या करें, करंट अफेयर्स बेस्ड जो प्रश्न हैं उन पर ज्यादा फोकस करें, उनके नोट्स जो बनाए होंगे अब तक आपने उनके भी रिवीजन काल में आप कर लें, लेकिन 2 टेस्ट आप डेली लगाएं, लगभग 50 से 60 प्रश्न आप 50 से 60 टेस्ट सीरीज आपके अंदर होनी चाहिए। अनअकैडमी के जो कॉम्बैट वगैरह चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही हैं, उनको आप लेते रहें, ठीक है। और जो प्लस सब्सक्रिप्शन जो लोग ले रखा है या फिर ले रहे हैं, एक दो महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है, वो आपको सुविधा मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। जिससे होगा क्या, जो 3,500 लगभग आप लोगों के लिए बनाए गए हैं प्रश्न, वो वहां पर इंक्लूडेड आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज में वो सभी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से आप अंतिम 30 दिनों में आपको क्या करना है, रिवीजन करना होगा, तब जाके बेहतर परफॉर्मेंस आपकी हो पाएगी। और अंतिम रूप से अपना आत्मविश्वास जो है बनाए रखिएगा, चाहे एग्जामिनेशन आगे बढ़े ना बढ़े, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में, लेकिन जितना पढ़ा है उस पर आपको भरोसा रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीजें छूट गई आपकी तो आप उसके पीछे दिमाग दौड़ रहा है कि यार ये चीज छूट गई, क्योंकि यूपीएससी तो अनंत है एक तरह से, आप कितना भी पढ़ लोगे ना तो प्रश्न ऐसे लगेंगे अनछुए से, यार ये प्रश्न आ कहां से गए, तो उन प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया ही है, उस पर आप फोकस करिएगा, वो वीडियो एंड में डिस्क्रिप्शन और एंड में आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे देख लोगे तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। लेकिन जितना पढ़ा है ना उस पर आप भरोसा रखिए, आपने भले ही आधी आधी किताबें पढ़ी है लेकिन आधी आधी किताबें पढ़ी है उनको बार बार रिवीजन किया है, अगर आपने रिवीजन किया है अच्छे से काफी है दोस्तों, प्री के अंदर 100% नंबर लाने की जरूरत नहीं है, लगभग 30 से 40 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी तो इनडायरेक्ट आपको कॉमन सेंस के आधार पर, स्मार्ट वर्क के आधार पर आपको करने होते हैं दोस्तों, ठीक है। कभी भी पढ़ा हो सॉरी कम भी पढ़ा हो लेकिन ठीक से उसी का रिवीजन करें, मैंने बता दिया आपको, भले ही आपने कितना भी पढ़ा है लेकिन क्या किया है, क्या उसका रिवीजन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। बिना रिवीजन के, ये मान लीजिएगा कि जो लोग बिना रिवीजन के पढ़ते रहते हैं उनका प्री नहीं निकलने वाला, हो सकता है मेंस में परफॉर्मेंस वो अच्छी कर जाए, प्री निकालने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार चीजें याद करनी पड़ेंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उसका एक ही केवल रास्ता है, वो है रिवीजन। एक तो सटीकता पर पढ़ना, उनका नोट्स बनाना और रिवीजन। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे अभी।
सिलेबस पूरा नहीं हुआ इस पर ध्यान बिल्कुल भी न दें, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीजें जरूर छूट जाएंगे। ये कहते हुए आपने बहुत सारे टॉपर्स को भी सुना होगा, तो आप कोई अलग नहीं है। जब फर्स्ट रैंक टॉपर्स ऐसी बात कर सकते हैं, टॉप 50 में, टॉप 10 में आए हुए लोग ऐसी बात कर सकते हैं, तो आप क्यों घबरा रहे हो दोस्तों कि मेरा हिस्ट्री में ये छूट गया, वो छूट गया। जो भी चीजें छूटी हुई है, जो इंपोर्टेंट आपको लग रही है एक साल के अकॉर्डिंग, उनको आप अभी कर लें 30 दिन के अंदर, 5-5, 7-7 दिन में, ठीक है। लेकिन पूरा सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं हो सकता यूपीएससी का, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा कभी कंप्लीट हुआ है। आप प्री देने जाओगे, मेंस देने जाओगे, यहां तक कि इंटरव्यू देने जाओगे ना, तब भी आप कहोगे कि अभी पूरी तैयारी नहीं हुई। स्मार्ट बनिए, 60% तक पहुंचिए, 100% तक पहुंचने के प्रयास मत करिए, 60% तक पहुंच जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। टॉप 10 में भी आ जाओगे आप लोग यदि आप 60% तक पहुंच जाते हो तो। जितना हो सके जीएस को ज्यादा रिवीजन करिएगा, कारण मैं आपको बताऊंगा अभी कि जीएस को रिवीजन क्यों करना है। क्योंकि पिछले साल करंट अफेयर्स नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, क्योंकि कोरोना के कारण। कोरोना के कारण क्या था, पेपर ऐसा बनाया गया था जिससे वो पेपर 2-4 महीने और भी बढ़ जाए ना, यानी कि डेट बढ़ जाए एग्जामिनेशन की, तो वो वाला पेपर चल जाए। तो इस बार भी मुझे उम्मीद है पर्सनल, जिस प्रकार से कोरोना के केसेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आगे आपका बढ़ जाए पेपर, लेकिन आप उस पर ध्यान ना देकर के क्या करें, जीएस का रिवीजन जरूर करते रहें। इसी वजह से मैंने यहां दिया जीएस का रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिएगा, क्योंकि पेपर ऐसा बनाया जाएगा इस बार भी कि उसमें जो करंट बेस्ड जो प्रश्न हो रहते हैं, 25-30 जो प्रश्न आते थे, 20-25 प्रश्न, उनकी मात्रा पिछले साल जिस प्रकार का पेपर रहा था वैसे ही रहने वाली है, यानी कि 2-3 प्रश्न ही आएंगे जो कि ऐसे होंगे सदाबहार करंट अफेयर्स वाले। तो डायरेक्ट करंट अफेयर्स को ना पढ़ करके आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन जनरल स्टडीज का ही करते रहें, क्योंकि हो सकता है पेपर आगे बढ़ जाए, कारण आप सभी को पता है कोरोना के कारण। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, कोरोना के कारण क्या होगा, पेपर होगा या नहीं होगा, ये सब मूर्खों वाली बात है, आपको नहीं बनना है मूर्ख। आपके पास एक ही हथियार है, क्या वो है, तैयारी करना, वो है अपनी मेहनत करना, बार बार मेहनत करना, मेहनत करना, मेहनत करना, इसका कोई सहारे नहीं है दोस्तों मेहनत का। एक स्मार्ट स्टडी के तहत करना, और आपको स्मार्ट स्टडी नहीं भी आती है तो मेहनत यदि आपने कर ली तो आप बिल्कुल आगे बढ़ने से दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी से कहता हूं। आपका काम केवल पढ़ना है, और आप केवल पढ़ें बस, और सारी दुनियादारी को भूल जाएं बिल्कुल। जो भी चीजें मैंने बताई हैं स्टेप बाय स्टेप, उस प्रकार से चीजों को करते रहें, जो होगा अंत में फिर यही सोचना, जो भी होगा वो सब ठीक ही है, सब अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने अच्छे के लिए ही कर रहे हो, कुछ बुरे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप बुरे के लिए रिवीजन नहीं कर रहे हो। परफॉर्मेंस आपकी कैसी रहेगी उस पर ध्यान न देकर केंद्रित करें, अब मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या रिवीजन कर रहा हूं, जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उन पर फोकस करें दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी मैंने चीजें बताई, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से इस प्रकार के मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, ठीक है, डेली बेसिस पर। और आप EME 10% डिस्काउंट के लिए यूज करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को बेल आइकन हिट कर लीजिएगा डेली वीडियोस पाने के लिए। इंग्लिश के वीडियो चल ही रहे हैं, धीरे धीरे और वीडियो जाएंगे, एग्जाम मेडिजी का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।